नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मिश्र। आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत न्यूज। ग्लोबल भारत न्यूज पर आज बात करेंगे प्रतापगढ़ जिले के राजनीतिक हालचाल की। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल ग्लोबल भारत न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर प्रतापगढ़ जिले की सभी पार्टियों की। सबसे पहले बता दें आपको कि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है चुनाव मैदान में, जिसके बाद सियासी पारा गर्म हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी किशोरी सदन में अपने दिग्गज नेताओं के साथ बैठक करके मंथन किया है, तो वहीं दूसरी तरफ आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने कार्यालय पर बैठक किया, जिसमें उनके दिग्गज नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि राजा भैया ने माधवी पटेल को अपना कैंडिडेट घोषित किया है, जिसके बाद प्रतापगढ़ जिले का जो सियासी घमासान है वह शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने किशोरी सदन में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के अलावा प्रतापगढ़ सांसद संगमलाल गुप्ता और कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर समेत रानीगंज विधायक धीरज ओझा और सदर विधायक राजकुमार पाल भी मौजूद रहे। इस बैठक में जिला पंचायत सदस्यों को बाकायदे आमंत्रण दिया गया था, लेकिन यदि सूत्रों की बात करें तो 25 से 30 जिला पंचायत सदस्य जो कि विजयी हुए थे, वह प्रतापगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में शामिल हुए और उनके साथ दिग्गजों ने रणनीति तैयार की है। इस रणनीति के तहत राजा भैया को घेरने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने शनिवार को अपने कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह मुन्ना यादव समेत तमाम पदाधिकारी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी समेत जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा की गई। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस बैठक में प्रमोद मौर्य, जिन्हें यह माना जा रहा था कि वह समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हो सकते हैं, वह शामिल नहीं रहे, जिसके बाद अब यह लगने लगा है कि सीधी टक्कर जो होने वाली है वो जनसत्ता दल और भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्योंकि एक तरफ राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके पास 40 जिला पंचायत सदस्य का समर्थन प्राप्त है। आइए सुनाते हैं राजा भैया के बयान। ये बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद में 59 सदस्य हैं और हम लोगों के पास इस समय 42 सदस्य से अधिक का समर्थन प्राप्त है। अब बात कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न होने के बाद जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्रा ने बड़ा बयान देते हुए यह दावा किया है कि उनके पास भी 40 जिला पंचायत सदस्य हैं। हमारे पास लगभग 40 जिला पंचायत जीते हुए सदस्य हमारे संपर्क में हैं लगातार, और हम जिला पंचायत का अध्यक्ष अपना बनाए। अब ये दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल 80 जिला पंचायत सदस्य होते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ जिले में कुल 57 जिला पंचायत सदस्य की सीटें हैं और 57 ही जिला पंचायत सदस्य हैं। गौर करने वाली बात है कि यहाँ जोड़ तोड़ की राजनीति अब शुरू होने वाली है। कौन किसको कितना प्रलोभन देता है और जिला पंचायत सदस्यों का जो खेला किया जाता है, यानी खरीद फरोख्त किया जाता है, अब उसी पर डिपेंड रहेगा कि किसका जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी इस पूरी रणनीति की वह धुरी हैं जो जिधर पलटेंगे सत्ता उसी के हाथ में जाएगी। फिलहाल अभी सूत्रों की बातों पर गौर करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भले ही राजा भैया और प्रमोद तिवारी के बीच बहुत सारी दूरियां रही हों, लेकिन इस चुनाव में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रमोद तिवारी राजा भैया को अपना समर्थन देंगे तो राजा भैया मजबूत होंगे। यदि बात की जाए सीटों की तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित महज 5 जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं, जबकि राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की बात करें तो 10 राजा भैया समर्थक जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं और वह कहीं ना कहीं भारी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्री मोती सिंह को भूलना कहीं ना कहीं, उनको कमजोर समझना कहीं ना कहीं राजा भैया को शिकस्त दे सकती है। हालांकि राजा भैया राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और उनका प्रतापगढ़ जिले में खासा दखलंदाजी रहता है, उनका सिक्का चलता है, लेकिन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है और सामने
कैबिनेट मंत्री मोती सिंह हैं। अब देखना यह होगा इस सियासी दांव पेच में किसका जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। और इसी बीच हरिओम मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्षमा सिंह जो कि पप्पन सिंह की पत्नी है और बाबागंज प्रथम यानी कुंडा इलाके से ही चुनाव जीत कर चुनाव मैदान में आए हैं, उनको अपना कैंडिडेट घोषित करने जा रहा है। अब देखना यह होगा इस चुनावी घमासान में राजा भैया का बोर्ड एक बार फिर से बनता है या फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी मात देने में सफल होती है, क्योंकि अब जो लड़ाई सामने दिखाई दे रही है वो सीधे भारतीय जनता पार्टी और राजा भैया के बीच नजर आ रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की अहम बैठक में प्रमोद मौर्य का न शामिल होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा है कि जिले में सियासी घमासान और इसके शतरंजों की जो गोट बिछाई गई है वह बेहद ही साधारण ढंग से बिछाई गई है और इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, आगे आपको राजनीति से जुड़ी अन्य खबरें भी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।